सो हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक नई भर्ती की, जो कि अस्पताल में यानी कि सरकारी अस्पतालों में आपको आयुष्मान मित्र योजना के तहत भर्ती की जाएगी, जिसमें आपकी सैलरी 15,000 से 30,000 होगी। और ये उन तमाम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए है, और जो स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं वो भी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए अवसर है। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप इस योजना के बारे में समझ पाएँ और आराम से फार्म को भर पाएँ कि आखिर क्या, कैसे और कितना मतलब सैलरी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक समझना और देखना, और वीडियो को शेयर भी करना अपने सगे संबंधियों के साथ, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। और 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती होनी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने को मिलेंगे, जिससे आपके हमेशा लाभ होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वेलकम बैक दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पेपर की न्यूज है, इसमें लिखा है कि अस्पतालों में 1 लाख आयुष्मान मित्र होंगे तैनात, जिसमें 15,000 से 30,000 की आपकी सैलरी होगी। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक देखें, पूरी बात बताने वाला हूँ। इसी वित्त वर्ष में 20,000 लोग तैनात होंगे, और ये न्यूज आप देख सकते हैं, आपके पेपर की है। इसमें लिखा गया है कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत साल के इस दौरान यानी कि रोजगार के करीब 10 लाख अवसर पैदा होंगे। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का भी सरकारी और निजी अस्पतालों में सीधे तौर पर 1 लाख आयुष्मान मित्र तैनात किए जाएंगे, जिसमें उन्हें 15,000 से 30,000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा। पूरी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा दोस्तों, बस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो इस भर्ती की योजना के अंतर्गत जो 1 लाख पद हैं उसमें बहुत सारे पद हैं, लेकिन 20,000 जो है आपके स्वास्थ्य मित्र भर्ती होंगे, और इसमें ज़्यादातर महिलाएं होंगी। और एक बात को आप लोग जान लें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधे सीधे लिखा गया है कि आयुष्मान मित्र योजना में काम करने पर आपको 15,000 से 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, और इसी माह से आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। यानी कि आपकी जब वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी में आपको फॉर्म भरने होंगे, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग पर रख लिया जाएगा। इसके बाद आपको 15,000 से 30,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। आई थिंक जिसका जिस प्रकार से पद होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपको कब ऑनलाइन करना है, कैसे ऑनलाइन करना है, इसकी वीडियो मैं अगली वीडियो में बनाने वाला हूं। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आप नौकरी ले सकते हो, बिल्कुल बिना किसी एग्ज़ाम के। और आप बहुत ही आसानी से हो पा रहे हो जाओगे, यानी कि ऐसी मौका, ऐसी जो आप कह सकिए कि अवसर बहुत कम ही मिलते हैं। तो बिल्कुल मैं इसकी सारी डिटेल्स अगली वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप सेलेक्ट होगे। जैसे ही इसके शेड्यूल जारी होती हैं, आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया होती है, आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, आपको तुरंत इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, और आप देख कर समझ जाओगे और आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आप यही जानिए कि 1 लाख समथिंग आपके पद हैं, जिसमें आपके 20,000 स्वास्थ्यकर्ता के यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आप सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको 15,000 से 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। तो स्वयं सहायता समूह की जितनी बहनें हैं या फिर जो नहीं जुड़ी हैं, तो सभी लोग फार्म आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर। तो बहुत बड़ा अवसर है, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेकर, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।